नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। पंचायत चुनाव के समाप्ति हो गई है और उसके बाद से ही शहरी निकाय के चुनाव को लेकर सरगर्मी बिहार में बढ़ने लगी थी, लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि बहुत जल्द चुनाव की तिथियों की घोषणा हो जाएगी और संभावना है कि मई सप्ताह में मतदान करवा लिया जाएगा। इसके साथ ही वार्ड के प्रतिनिधि भी अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं और अपना अपना पक्ष रख रहे हैं और जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश भी कर रहे हैं। हमारी टीम रोजाना अलग अलग वार्डों में जा रही है और आपको वहाँ से रूबरू करवाकर दिखा रही है कि किस वार्ड में क्या स्थिति है, क्या कुछ समस्या है, कितना विकास हुआ। इसी कड़ी में आज हमारी टीम वार्ड नंबर 6 पहुंची और वहां की वर्तमान पार्षद श्वेता कुमारी से मुलाकात किया। तो चलिए आज लाइव सेशन में आपको रूबरू करवाते हैं श्वेता कुमारी से। श्वेता जी नमस्कार। जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है श्वेता जी लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क पे। श्वेता जी कैसा रहा कार्यकाल आपका, किस तरीके से विकास किया वार्ड का आपने? अपने वार्ड से अपने जनता लोग से बहुत ही खुश रहती हूँ और बशर्ते मैंने 5 साल क्या पूरे 10 साल से मैं इस वार्ड में काम कर रही हूँ और सभी जी ये दूसरा कार्यकाल है आपका? जी जी, ये मैं 10 साल हो चुका और ये अब इस बार चुनाव में भी मैं पूरी तरीके से मैं अपने जनता को शुक्रिया अदा करूँगी। इस बार भी हम ही यहाँ आएंगे और जी तो फिर एक बार हैट्रिक लगाने की योजना है आपकी। हाँ, कितना भरोसा लग रहा है कि जनता एक बार फिर आपका, क्योंकि हम लोग काम करते हैं, मेरे काम से पूरे जनता खुश रहती है और जी जितने भी मतलब कार्य के लिए है उस मैटर में तो कोई हम लोग को हाथ नहीं पकड़ता है कि हम लोग काम नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग ना जो योजना आती है घर घर तक पहुंचाते हैं, बशर्ते नली गली लाइट वृद्धा पेंशन यहाँ तक कि प्रधानमंत्री वाला योजना जो आवास योजना उसमें भी मैंने बहुत मतलब ऐसे लोग को बनवा चुके हैं घर जिनको बेसहारा थे, घर टूटा वगैरह ये सब था, उन लोग को भी हम लोग घर बनवा चुके हैं और राशन कार्ड के लिए भी 90% मतलब राशन कार्ड हो चुका है, मात्र 10% है बच गए हैं, वो भी अभी ऑनलाइन की व्यवस्था है तो उससे भी लमसम हम लोग ने गरीब जो असमर्थ है भरने में उन लोग को हम लोग सहयोग कर देते हैं और जो करने लायक है वो उनको हम लोग राय दे देते हैं, वो लोग अपने से कर ले रहे हैं। जी जी बिल्कुल। हाँ, और आवास योजना की जो बात आप बता रही है, कितने लोगों को लाभ मिला आपके यहाँ? शायद लग रहा है 19 या 20 ऐसी लमसम हो चुके हैं लोग। जी अभी और रिक्वायरमेंट भी है आपके वार्ड में आवास की? जी 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 अभी और जी है। कितने लोग कितने कितने नाम है? इस बार भी हम अगर आएंगे तो जनता को मतलब और भी मतलब अच्छी काम देंगे, इसलिए कि अभी सामुदायिक भवन मेरा 1 तल्ला का है, उस पर हम सोच रहे हैं कि 2 तल्ला या 3 तल्ला तक बना दे ताकि मेरे गरीब जितने भी जनता लोग हैं जो समर्थ हैं मैरिज हॉल या घर से करने में ताकि यहाँ से मतलब सुविधा उनको मिल सके, ताकि जैसे शादी वगैरह करना हो चाहे तिलक हो चाहे जो कुछ भी कुछ किसी को हो यहाँ अपने आराम से कर सकते हैं उतनी सुविधा। और एक अपने वार्ड में लाइब्रेरी का भी सुविधा हम देना चाह रहे हैं, जितने भी आज के डेट में युवा लोग हैं पढ़ने लिखने वाले हैं उन लोग को भी थोड़ा सुविधा मिले तो उनको भी कुछ अपने आप से फीलिंग महसूस हो गया। श्वेता जी माफ़ी चाहेंगे, बीच में आपसे हमारा कनेक्शन टूट गया था। आप बता रही थी कि लाइब्रेरी की आपकी योजना है अपने वार्ड में लाइब्रेरी बनाने की। हाँ, हम सोच रहे हैं कि युवा लोग जितने भी मतलब पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको ऐसी सुविधा मिले जी, उन्हें भी मतलब ये चीज़ का खुशी फीलिंग हो कि हाँ मेरे वार्ड पार्षद हैं तो हम लोग की हर इच्छा को पूरी करते हैं। जी आपके वार्ड में स्कूल वगैरह में क्या व्यवस्था है, वहाँ पे सारी सुविधाएं बच्चों को मौजूद हैं? ऐसे तो इस प्राइवेट स्कूल ये शायद एक है और सरकारी स्कूल है, लेकिन उस सरकारी स्कूल के बारे में मैं तो ये हम आप लोग से यही रिक्वेस्ट करेंगे उस पर कोई ध्यान नहीं दे पाता है। हमने एक बार पीओ के पास भी कंप्लेंट पहुँचा है, एक बार डीओ के पास भी कंप्लेंट लेटर डाले लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लेता है लोग, क्योंकि देखिए कोई जरूरी नहीं है कि बड़े स्कूल में ही लोग पढ़े, तो गरीब के बच्चे के पास मतलब कैपेसिटी नहीं है बड़े स्कूल में पढ़ने के लिए, तो क्यों सरकार जब पूरी सुविधा देती है पढ़ने के लिए तो हम क्यों नहीं उस बच्चे को पढ़ाएं, लेकिन यहाँ के टीचर लोग ध्यान नहीं देते हैं, खास करके
प्रिंसिपल को इस चीज पे केयर करना चाहिए कि हम स्कूल के हेड हैं तो हमको इस चीज पे केयर करना चाहिए। बिल्कुल, जब वो अपनी मनमानी करेंगे तो और टीचर लोग भी पूरी तरीके से फंसेंगे। बिल्कुल, सरकार ने जब सरकारी विद्यालय की सुविधा दी है, इसीलिए दी है कि निम्न तबके के लोग भी उचित शिक्षा पा सके। ये कोई जरूरी नहीं है कि बड़े आदमी का ही बच्चा बड़े स्कूल में पढ़े, छोटे गरीब आदमी का नहीं पढ़े, लेकिन बशर्ते गरीब का भी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़कर भी वो भी जॉब कर सकते हैं, उतनी कैपेसिटी है। लेकिन जब स्कूल के टीचर ही उस पर ध्यान नहीं दे रहे तो फिर बच्चे आगे बढ़ेगा कैसे? जी जी बिल्कुल, इसमें सुधार की जरूरत है और बिना सही शिक्षा के समाज का विकास। इस चीज के लिए मैं हम अपने पूरे 10 साल में जी स्कूल के हेड्स के साथ मेरा 2-3 बार हो भी गया है बकझक, लेकिन इसके मैटर में कोई एक्शन नहीं लिया। पीओ पीओ उनके पास भी मैंने कम्प्लेन पहुंचाई, कोई इस पे कोई मतलब समाधान नहीं निकला। जी जी, और महिला रोजगार के लिए क्या किया श्वेता जी आपने अपने वार्ड में? महिला रोजगार के तो मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है, अगर आगे ऐसा कुछ मिलता है सुविधा तो हम उस पे भी ध्यान देंगे। जी जी, जो 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 निचले तबके की जो महिलाएं हैं कि कुछ उनको छोटा मोटा काम मिल जाए अपने ही वार्ड में, कुछ वो कर सके, इसके लिए कोई योजना आपने सोचा कि नहीं सोचा कि महिलाएं हैं तो कुछ आगे बढ़े? देखिए जी, आदमी तो सोचने का बहुत कुछ सोचता है, अगर उस तरह से सुविधा मिले तो आदमी क्यों नहीं करे, क्योंकि हमको अपने पॉकेट से तो देना है नहीं, बशर्ते अगर अपने से कुछ सहयोग वाली कहीं से अगर कुछ मिल जाता है उसमें कुछ हम सहयोग दे दें तो और किसी को भी खुशी मिल जाएगा। जी, तो इस समस्या को लेकर आपके वार्ड की महिलाएं आती हैं या नहीं आपके पास? आपके पास इससे जुड़ी समस्या आती है? लोग बहुत आती हैं, लोग इस चीज के मैटर में बहुत ऐसा है, लोग जिनका पति मतलब कमाने से मतलब कतराते हैं लोग। जी जी, या उस लायक नहीं है जो लेडीज है कुछ कमाना चाहती है, ऐसा शिकायत लेकर बहुत लोग आती है। जी जी, ताकि कुछ मदद हो सके उन लोगों की अपने परिवार को चलाने में। बार बार वो लोग बोलती है कि कहीं काम लगा दीजिए, कहीं नगर परिषद में करवा दीजिए, तो हम लोग नगर परिषद में कुछ ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ अपना नगर परिषद में काम धरवा दें, क्योंकि उतने कैपेसिटी नहीं है नगर परिषद में। जी अच्छा श्वेता जी, राशन की क्या व्यवस्था है आपके यहाँ? कितने लोगों का नाम जुड़ा हुआ है इसमें? राशन कार्ड देखिए लमसम 90% हो चुका है और बस बशर्ते 10% बच गया है। और हाँ, एक और सरकार से हम अनुरोध करेंगे, जो 2011 में जो जनगणना हुआ था वो वाले कार्ड सभी अभी बंद हो रहे हैं, अभी जो आ रहे हैं नए कार्ड वो उन पे मिल रहा है, और लेकिन 2011 वाला बंद हो चुका है। इसलिए मेरे जनता लोगों को बहुत काफ़ी दुख हो रहा है कि भाई कम से कम राशन मिलता है तो कुछ तो सहारा हो जाता है खाने पीने के लिए, लेकिन मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि उसको चालू करें। जी, और पे जी, और पे मतलब हर कोई आदमी गरीब नहीं है, हर कोई अमीर नहीं है, बशर्ते अगर राशन मिल जाता है, मान लीजिए गेहूं ही कोई उठा लेता है तो कम से कम आटा हो जाता, अपने घर का हो जाता। जी, तो अनाज जो वितरित हो रहा है सही तरीके से हो रहा है, उसमें कोई समस्या आपके समक्ष आई या नहीं? इस चीज पे हम सवाल उठाएंगे। मेरे वार्ड के वार्ड में मतलब एक कंट्रोल पड़ता है मिथिलेश कोई है, उनका भी बेटा। हाँ हाँ बोलिए, मिथिलेश सिंह के क्या ऐसी कुछ नाम से है, उनका बेटा भी चलाते ब्रज जी, उनके पास बहुत मतलब बहुत पूरी तरीके से शिकायत आती है, पूरे वार्ड का आदमी हमारे परेशान होता है, पूरे मेरे जनता परेशान रहता है कि बहुत मतलब देने में कतराते हैं, 15 दिन पहले टीपा लेंगे उसके बाद। श्वेता जी माफी चाहेंगे, एक बार फिर हमारा कनेक्शन आपसे छूट गया था। आप क्या बता रही थी, राशन कार्ड की में डीलर के द्वारा किसी तरीके की परेशानी हो रही थी आपके वार्ड में? जनता लोगों को बहुत परेशान करते हैं, 15 दिन पहले टीपा लेंगे उसके बाद 15 दिन तक दौड़ाएंगे, कल आइए परसों आइए, फिर बोलेंगे खत्म हो गया अगले बार ले लीजिएगा। जी जी, तो इसके इस समस्या के खिलाफ आपने कोई एक्शन भी लिया? जनता लोग मेरे गया ब्लॉक में कंप्लेंट किया, लेकिन ब्लॉक से भी अभी तक कोई मतलब कोई एक्शन नहीं लोग लिया। जी, तो इसकी समस्या सामने अभी है पूरे फुलवाड़ी में, जितने अच्छा भी कंट्रोल है ब्लॉक में उतना शिकायत नहीं है जितने इसमें शिकायत, पूरी तरीके से ये मतलब अजीज कर देते हैं पूरे जनता लोग। जी अच्छा श्वेता जी, आपके यहाँ नालों की उड़ाही, साफ सफाई, इस पे कार्य होता है नियमित तौर पर? नाले की उड़ाही नहीं, अच्छा जल जमाव की कोई समस्या है या नहीं आपके क्षेत्र में? समस्या मेरे वार्ड में कहीं नहीं रह रही है।
जी, तो आपके वार्ड में इस वक्त और कोई प्रमुख समस्या जो आप बताना चाहेंगी, जो प्रमुख रूप से सामने आ रही हो? कुछ ऐसा समस्या नहीं है जी, बिल्कुल। आप 10 वर्षों से हैं इस क्षेत्र में, इस वार्ड को देख रही हैं, तो बिल्कुल हर समस्या से आप रूबरू होंगी। आगे मतलब आगे हो गया है मेरा वार्ड, पहले 10 साल पहले यही था, एकदम कबाड़ा था, लेकिन मेरे आने से मेरे वार्ड में कोई ऐसा गली, कोई ऐसा नली ऐसा नहीं है कि जो कच्चा अभी तक हो। पूरे लमसम मैंने 10 साल में पूरी मन और लगन से काम किए हैं, और इसी का देन है कि मेरे जनता आज मेरे सभी लोग खुश रहते हैं कि नहीं, नेता हो तो यही, क्योंकि हम लोग ना किसी से ज़्यादा लपड़ा चपड़ा नहीं रखते हैं, बस अपना काम करो। अगर हम देखिए, हम इस जगह पे आए हैं तो मेरे जनता की ही देन है कि हम इस जगह पे हैं, मेरे जनता हमको चुना है तो हम उसी का उनका काम करेंगे, तब ही अगला खुश होगा, तो फिर आगे हमको मौका देगा। यही हम जी बिल्कुल, अगर जनप्रतिनिधि अपने दायित्व को सही तरीके से निभाए तो जनता का सहयोग मिलना ही है, और किसी का खून चूस के किसी का हाय लेके आगे बढ़ेंगे, ये कभी आगे आगे नहीं बढ़ता है, किसी के आशीर्वाद से आगे बढ़ेंगे, किसी के सपने को पूरा करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि जैसा आप बता रही हैं कि आपने कार्य किया है, एक बार फिर आप जीत की टिकड़ी लगाएं। और एक आखिरी बात पूछना चाहूंगी श्वेता जी, कि अगर तीसरी बार फिर एक बार आती हैं तो वार्ड में सबसे पहले क्या कार्य करिएगा? ऊपर में बनाएंगे, 2 तल्ला करें या 3 तल्ला करें, और एक जी ब्लॉक से एक रोड निकालेंगे, ESI हॉस्पिटल की तरफ निकल जाएगा, ये पहले हम लोग का 2 मकसद है, और उसके बाद तो आदमी काम तो करना ये रहेगा, 10 साल 5 साल में तो अब कुछ कुछ के आदमी काम करेगा। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी, लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क से बातचीत के लिए आपका। तो ये थी हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए वार्ड नंबर 6 की पार्षद श्वेता कुमारी, जिन्होंने बताया कि बीते 10 वर्षों से यहाँ की पार्षद रही है और इस वार्ड के विकास के लिए हर तरीके के काम किए, हर योजनाओं पर काम किया। हालांकि उन्होंने बताया कि उनके यहाँ अभी भी स्कूल का माहौल सही नहीं है, सरकारी स्कूल में टीचर्स की मनमानी है, बच्चों को सही तरीके से शिक्षा नहीं मिली, इसके लिए उन्होंने कई बार शिकायत भी किया लेकिन अभी तक इसका समाधान नहीं निकला। और उन्होंने एक और समस्या बताई कि डीलर के द्वारा भी उनके वार्ड में लोगों को आज के वितरण में कुछ गड़बड़ी की जा रही है, जिसकी समस्या सामने आई है, अभी तक इसका भी समाधान नहीं निकला है। उन्होंने उम्मीद जताया कि जिस तरीके से उन्होंने विकास किया है, एक बार फिर वार्ड की जनता उनको अपना जनप्रतिनिधि अवश्य चुनेगी। तो ऐसे तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क।